लेक्चर है इस चैप्टर का। आज के लेक्चर के साथ ही इंशाल्लाह अजीज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो काम पजी होगा। तो देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सबसे पहले सिस और ट्रांस की हम बात करें, ये लिटिल वर्ड है, लिटिल लैटिन जुबान का लफ्ज। सिस का मतलब होता है दिस साइड ऑफ, यानी इस साइड वाले, और ट्रांस का मतलब होता है अदर साइड ऑफ। दूसरी साइड वाले, तो ये इसके लिटरल मीनिंग होंगे। सिस और ट्रांस लातिनी जबान के लफ्ज सिस और ट्रांस निकले हैं। सिस का मतलब होता है दिस साइड ऑफ, यानी ये वाली साइड। ट्रांस का मतलब होता है अदर साइड ऑफ, यानी दूसरी साइड। इसको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट ज्योमेट्रीज जो हैं, डिफरेंट लोकेशन जो हैं, कहते ना अपना, ठीक है, वो मद्देनजर रखी जाएंगी वेरियस ग्रुप्स की, मुख्तलिफ ग्रहों की जो कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे। देखिए पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। टू कार्बन एटम जॉइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। फर्स्ट में दो कार्बन हैं, इस सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। फ्रीली रोटेट करने का मतलब ये है कि अपने किसी ग्रुप में, लेट्स सपोज के ऊपर कोई ग्रुप ए है, नीचे ग्रुप बी है, ग्रुप ए को बी की जगह भेज सकते हैं, ग्रुप बी को ए की जगह भेज सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मैं हाथ से मिसाल देता हूँ कि भी ये हमारे पास कितना अपना दो ग्रुप है, ये सिंगल एटम है, दो ग्रुप लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये अपने ग्रुप को ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कितना मतलब कि ये वाला जो है सी कार्बन जो है, एक ग्रुप को ऊपर से नीचे भेज सकता है, बी ग्रुप को नीचे से ऊपर भेज सकता है, कितना। इसी तरह से हम इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये जो है सी ग्रुप को ऊपर से नीचे भेज सकता है, ठीक है, डी ग्रुप को नीचे से ऊपर भेज सकता है। कि दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट, तो वो उसके गिर्द फ्री रोटेशन कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी दूंगा कि अगर हमारे पास दो तख्ते हों, दो लकड़ी के तख्ते हों, उनके दरमियान में कील लगा हो, तो हम उनको यूं ऊपर नीचे यूं घुमा सकते हैं। अगर एक कील के जरिए दो तख्ते जुड़े हुए हैं और वो कील थोड़ा सा लूज है, तो फिर वो मतलब है दो तख्ते जो हैं वो रोटेट घूम सकते हैं। लेकिन अगर वो दो तख्तों के दरमियान दो कील लगे हों, एक ऊपर से लगा हो और एक नीचे से लगा हो, कैन नॉट रोटेट फ्रीली, तो फिर वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से टू कार्बन एटम जॉइंट बाय डबल बॉन्ड, जब दो कार्बन एटम जुड़े हों डबल बॉन्ड के जरिए, कैन नॉट रोटेट, तो फिर वो रोटेट नहीं कर सकेंगे। रोटेट नहीं करने का मतलब यह है कि वो नीचे वाले ग्रुप को ऊपर या ऊपर वाले ग्रुप को नीचे नहीं भेज सकेंगे, अगर दो कार्बन एटम जुड़े हुए हों डबल बॉन्ड के जरिए। टू कार्बन एटम आर जॉइंट बाय डबल बॉन्ड, दो कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, कैन नॉट रोटेट फ्रीली, तो दो कार्बन जो है फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, ऊपर वाले ग्रुप को नीचे, नीचे वाले ग्रुप को ऊपर नहीं ला सकते। एज ए रिजल्ट जिसका नतीजा क्या होता है, वेरियस पोजीशंस, पोजीशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एटम गेट फिक्स्ड, ठीक है। कि भाई ग्रुप ए है, कोई फर्जी ग्रुप है, ये कार्बन के साथ ऊपर की तरफ को लगा हुआ है, तो ये ऊपर ही लगा रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा। बी ग्रुप है, ये नीचे लगा हुआ है, नीचे ही लगा रहेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो मुख्तलिफ ग्रुपों की जो पोजीशन हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। ऊपर वाला ग्रुप नीचे नहीं जाता, नीचे वाला ग्रुप जो है वो ऊपर नहीं जाता, ये अपना, ठीक है। अगर दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के जुड़े हुए हैं तो उनके मुख्तलिफ ग्रुपों की पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, वो दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के अबाउट घूम सकते नहीं। इसके नतीजे में पैदा होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या पैदा होता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब हम कंडीशन देखते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर सेम है, मतलब बॉन्ड की अरेंजमेंट क्या है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है लेकिन सिमिलर ग्रुप्स की पोजीशनें जो है वो डिफरेंट है। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, या आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द
position of identical groups in space are called cis-trans isomers or geometric isomers. And this phenomenon is called cis-trans isomerism or geometric isomerism. दो बातें हैं. Number one, structured isomers हैं. ठीक है. Having same structure formula same. दूसरी बात, differ with respect to the position of identical groups in space. उन ग्रुपों की जो पोजिशनें हैं वो different हैं, वो मुख्तलिफ हैं. उन ग्रुपों की पोजिशनें same नहीं है. ये cis-trans isomerism है, ये geometric isomerism है. ठीक है. अब हम एक एग्जांपल जो है, एग्जांपल के थ्रू इनको डिस्कस करेंगे. सिस्टम्स आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो है, इस एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल को देखते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास है टू ब्यूटीन. अच्छा, उससे पहले मैं कंडीशंस बता दूं. दो कंडीशंस हम इसके ध्यान रखनी पड़ेगी सिस्टम्स आइसोमरिज्म के लिए. फॉर अ कंपाउंड टू शो सिस्टम्स आइसोमरिज्म, टू कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड. किसी कंपाउंड के सिस्टम्स आइसोमरिज्म शो करने के लिए दो शर्त का पूरा होना जरूरी है. नंबर वन, कार्बन एटम शुड बी जॉइंड बाय डबल बॉन्ड. कार्बन एटम डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, पहली शर्त. दूसरी शर्त, द टू ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम शुड बी डिफरेंट. दो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो दो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, हर कार्बन के साथ दो मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े होने चाहिए. हर कार्बन के साथ दो मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तब सिस्टम्स आइसोमरिज्म पैदा होता है. तो हम देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है टू ब्यूटीन की. टू हाइफन ब्यूटीन. ब्यूट हमारे पास चार कार्बन वाला होता है. कार्बन नंबर टू पे डबल बॉन्ड है, वन टू. कार्बन नंबर टू पे डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी फोर एक बॉन्ड के जरिए और तीन हाइड्रोजन के जरिए. एक दो तीन चार वैलेंसी, चार वैलेंसी में से तीन वैलेंसी बांट के जरिए और चौथी हाइड्रोजन के जरिए. एक दो तीन चार वैलेंसी, तीन वैलेंसी, एक दो तीन, तीन वैलेंसी बांट से पूरी की चौथी हाइड्रोजन है. कार्बन की चार वैलेंसी, एक बांट और बाकी तीन हाइड्रोजन है. ये टू ब्यूटीन. अच्छा, इसको अगर मैं कुछ और खोल के लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सी ए थ्री सी सी के साथ एच जरा मैं ऊपर करके लिख दूँ, डबल बांट सी के साथ एच ऊपर करके लिख दूँ सी ए थ्री. तो मतलब टू ब्यूटीन की ये फॉर्म जो है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. तो अब इसके मैं आइसोमर ड्रा करता हूँ, देखता हूँ इसके कौन कौन से आइसोमर जो है पॉसिबल हैं. देखिए, इससे पहले मैं डबल बॉन्ड वाली कार्बन इसको देख लेता हूँ. ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसके साथ एक तो सी एच थ्री अटैच है और दूसरा एच अटैच है. डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ एक सी एच थ्री अटैच है, दूसरा एच अटैच है. इस तरह ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन, इसके साथ भी एक सी एच थ्री अटैच है और एक एच अटैच है. ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन ऊपर है और दोनों एच जो है उनकी पोजीशन नीचे है. ये है हमारे पास सिस आइसोमर है. यहाँ इसे कहते हैं सिस टू सिस हाइफन टू ब्यूटीन. ये सिस आइसोमर है. इन सिस आइसोमर सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड. सिस आइसोमर में जो एक जैसे ग्रुप है वो डबल बॉन्ड की सेम साइड पे मौजूद होते हैं. डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं, ये सिस आइसोमर है. ठीक है, दूसरा आइसोमर हम इसका देखते हैं सी ए थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एच. लेट्स सपोज कि ये कार्बन वन और ये इसको टू हम कंसीडर करते हैं,
कार्बन की चार करेंसी एक बांड के जरिए और बाकी तीन हाइड्रोजन के जरिए, एक दो तीन बांड, चौथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैं ऊपर लगा देता हूँ, एक दो तीन बांड, दो बांड पीछे, एक बांड आगे, चार वैलेंसी में से तीन वैलेंसी तीन बांड्स ने पूरी की, चौथी वैलेंसी ये हाइड्रोजन एटम पूरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कार्बन की चार वैलेंसी दो बांड के जरिए और दो हाइड्रोजन के जरिए, एक बांड के जरिए और तीन हाइड्रोजन के जरिए, टू पेंटीन है, ठीक है। तो इसको अब हम ड्रा कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर जरा, ये कार्बन डबल बांड वाले कार्बन इनको उठा लेते हैं, कार्बन डबल बांड कार्बन, एक तरफ ये सी एच थ्री, ये एच, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये सी एच टू, सी एच थ्री, ये एच, डबल बांड वाले कार्बन के पास एक सी एच थ्री था और एक एच था, सी एच थ्री ऊपर लगा दिया एच नीचे, डबल बांड वाले कार्बन के पास एक एच था और एक दूसरा क्या था, सी एच टू सी एच थ्री इथाइल ग्रुप है, सी एच थ्री सी एच टू इथाइल ग्रुप होता है। तो ये सिस आइसोमर है, सिस हाइफन टू पेन टीम, और दोनों के नीचे है, ठीक है। इस तरह इसका ट्रांस फॉर्म इसी तरह कर लेते हैं, ट्रांस आइसोमर ड्रा कर लेते हैं, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी, ये एच सी एच टू सी एच थ्री, ये ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस टू पेन टी, ट्रांस टू पेन टी। ये ट्रांस आइसोमर इसलिए है, सिमिलर ग्रुप्स लाइक ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, कि एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है, एक इथाइल ग्रुप नीचे है, अल्काइल ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड पे। आखिरी हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है वन हाइफन ब्रोमो हाइफन टू हाइफन क्लोरो हाइफन परो टीन। अच्छा, ध्यान रहे कि प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन अल्कीन शो करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिलेटेड, अल्केन नहीं शो करते जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्काइन नहीं शो करते जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जस्ट अल्कीन शो करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिलेटेड होते हैं, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो प्रोपीन, सबसे पहले हम प्रोपीन ड्रा कर लें, कार्बन वन टू थ्री, ठीक है, डबल बॉन्ड दे रहे हम जी। अच्छा, कार्बन नंबर वन पे ब्रोमो ग्रुप है, लेट्स सपोज ये कार्बन वन है, ये टू है और ये थ्री है, वन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच है बीआर, टू पे क्लोरो ग्रुप अटैच है सीएल, ठीक है, चार वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, एक दो तीन बांड, चौथा इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक दो तीन चार बांड पूरे, ये एक बांड तीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसी चीज को जो है वो हम मतलब है कि ओपन करके लिख लेते हैं, डबल बांड वाले कार्बन को पहले सी डबल बांड सी, ये वाले जो कार्बन है डबल बांड वाले, इसके साथ एक तो बी आर अटैच है और एक अटैच है एच, ये वाले कार्बन इसके साथ एक सी एल अटैच है और दूसरा अटैच है सी एच थ्री। ये हमारे पास है सिस आइसोमर, ये कौन सा हमारे पास है, व्हाई दिस इज सिस आइसोमर, बिकॉज बोथ हैलोजन आर प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्ड ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द अपर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, कि दोनों हैलोजन जो हैं, दोनों हैलोजन क्लोरो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप, दोनों हैलोजन जो हैं, दोनों हैलो ग्रुप डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ मौजूद है, ये सिस आइसोमर है। इस तरह इसका हम ट्रांस आइसोमर ड्रा कर लें, ट्रांस ऐसे होगा सीएल C डबल बॉन्ड C सी एच थ्री, सी ऊपर H कर लें, नीचे Br कर लें, तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर की जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ऐसा आइसोमर है जिसमें सिमिलर ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड भी है, कितना क्लोरो ग्रुप एक हेलो ग्रुप ऊपर है, ब्रोमो ग्रुप दूसरा हेलो ग्रुप नीचे है, तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है, कितना एक है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इन सिस फॉर्म सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इन ट्रांस फॉर्म सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड जी, ठीक है। देखिए, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कुड हैपन ओनली कुड अकर ओनली इफ द डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम ब्रेक्स, कि अगर हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें फ्री रोटेशन करने के लिए
दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। डबल बॉन्ड में मौजूद जो दूसरा बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड क्या होता है पाई बॉन्ड होता है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कुड हैपन ओनली, ग्रुप्स की पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती हैं, इफ पाई बॉन्ड ब्रेक्स, अगर डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड टूटे, बट इट ऑलरेडी कॉस्ट टू मच एनर्जी। लेकिन पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, टू मेक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल, ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी देंगे तभी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि why there is no free rotation around a double bond? एक डबल बॉन्ड के लिए फ्री रोटेशन नहीं है, यानी जब दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके ग्रुप ऊपर नीचे नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? एंड अ डबल बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड जो है वो ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लाई अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दो न्यूक्लियसों को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर होते हैं या फिर क्या होते हैं उसके नीचे होते हैं, टू मेक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल, ताकि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या हो पॉसिबल हो, जितना आपने, ठीक है। अच्छा, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स जो हैं वो क्या करती हैं फिक्स हो जाती है, कितना नो स्पेस फॉर फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन के लिए कोई स्पेस नहीं रहती थी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हम बात करते हैं इसके जी के वाई टू ब्यूटीन शोज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, बट वट वन ब्यूटीन डज नॉट शो, वन ब्यूटीन क्यों नहीं शो करती, कि वन ब्यूटीन में कार्बन नंबर वन पे दो एच होते हैं, वन ब्यूटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, वन ब्यूटीन होता है हमारे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, तो शर्त यह है दो कार्बन डबल बॉन्ड के जुड़े हुए हों, ठीक है, दो कार्बन डबल बॉन्ड के जुड़े हुए, दूसरी शर्त यह है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो ग्रुप मुतरे हों, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो एच हैं, दो एच के हैं सेम है, इसलिए वन ब्यूटीन शो नहीं करती। इन 115 कार्बन नंबर 1 कैरीज टू हाइड्रोजन एटम्स, बट कंडीशन फॉर शोइंग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इज दैट टू ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम शुड बी डिफरेंट, कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन 115 में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो एच हैं वो सिमिलर हैं, इसलिए ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं शो करता। इस तरह से है कि व्हाई अल्काइन्स डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, अल्काइन क्यों नहीं शो करते, इन अल्काइन्स ओनली वन ग्रुप इज अटैच्ड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ सिर्फ एक ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, लेकिन शर्त यह है सिस ट्रांस के लिए कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो ग्रुप अटैच हो, अल्काइन में चूंकि एक ग्रुप अटैच है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ इसलिए ये नहीं शो करते। इन अल्काइन्स देयर इज ओनली वन ग्रुप अटैच टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, बट फॉर दी फॉर शोइंग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एटलीस्ट टू ग्रुप शुड बी अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, सो अल्काइन डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, के अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच होता है, जबकि सिस ट्रांस के लिए दो ग्रुप अटैच होने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, इसलिए ये शो नहीं करते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।